गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत रविवार को सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं हॉकी बालक वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया तथा क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने मुख्य अतिथि को बुके देकर एवं बैच लगाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में आज टीम ने भाग लिया। प्रथम मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं MSI कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ने MSI कॉलेज को 1-0 गोल के अंतर से पराजित किया। दूसरा मैच कादरी क्लब बनाम मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य खेला गया, जिसमें कादरी क्लब ने मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल को 5-4 गोल से पराजित किया। वहीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग बालक वर्ग प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम भार वर्ग के सुब्रत यादव ने आदित्य कुमार को तथा सचिन यादव ने अवनीश सिंह को पराजित किया और 54-57 किलोग्राम भार वर्ग में शिवरतन गुप्ता ने प्रशांत साहनी को पराजित किया। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसी क्रम में हॉकी और बॉक्सिंग खेल का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से निश्चित तौर पर समाज को जोड़ने का नया कार्य होता है। यहाँ की प्रतिभाएं हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए हैं और इस तरह के आयोजन से युवाओं में सकारात्मक सोच बढ़ेगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने तथा जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराकर खेलों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि गोरखपुर के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करें। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रीता मिश्रा, जय यदुवंशी, रजत सिंह, सूरज कुमार, सुजीत कुमार, अजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा, प्रदान हुआ है और इसमें दोनों विजेता टीमों को जो होंगी रनर विनर्स दोनों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र सब के समान होंगे जो 12 तारीख को वही तो इस क्लब वाला सम्मान सम्मान और पुस्तक विमोचन एक तो कौन कौन टीम है पूरा मारना जब पूरा हाथ है तो Yeah.
किले बनाला बतावला नहीं गोरक्षनाथ जी की पावन धरती पर हर वर्ष की भांति इस बार भी गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन और मंडलीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसी के उपलक्ष में खेलों के तारतम्य में आज हॉकी मैच का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि खेलों के माध्यम से निश्चित तौर पे समाज को जोड़ने का एक नया कार्य होता है और यहां की प्रतिभाएं जो कि पूर्व में भी हॉकी में तमाम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हुए हैं और इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पे एक सकारात्मक सोच मिलेगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक देश स्तर तक अपना नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। हम लोगों से जो भी चीज़ें सक्षम हो पाएंगी और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा करके खेलों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि हमारे खिलाड़ी गोरखपुर खिलाड़ी उत्तर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करें। युवाओं में क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास रहता है और जो लोग शिक्षा से भी जुड़े लोग हैं उनको भी स्वस्थ रहने के लिए खेल से जरूर जुड़ना चाहिए। उसके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मानसिकता दोनों युवाओं के लिए आज के युग में सबसे आवश्यक चीज़ें हैं।